पुत्रवधू सुरुचि सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। पटरानी सुनीति, तुम्हारा त्याग प्रशंसनीय है। संसार की कोई भी नारी तुमसे त्याग की शिक्षा और आदर्श ग्रहण कर सकती है, परंतु प्रजा की इच्छा का सम्मान करने के लिए तुम्हें इतना उतावलापन दिखाना आवश्यक नहीं था। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इष्ट देव जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से तुम शीघ्र ही एक महान पुत्र की माता बनोगी और वही युवराज पद पर प्रतिष्ठित भी होगा। क्या आप मेरा अपमान कराने के लिए यहाँ लाए थे? यदि सुनीति को ही होने वाले युवराज की माता बनना है तो उसने ये भांति भांति के षड्यंत्र रचकर आपका विवाह मुझसे क्यों करवाया? पुत्रवधु सुरुचि, किसी से बात करते समय तुम्हें मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। स्मरण रखो, अब तुम वत्स देश की राजकुमारी नहीं, मनुकुल की पुत्रवधु हो। मुझे मर्यादा का भली भांति ज्ञान है माता श्री, किंतु कोई मेरे अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो मैं उसे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। महारानी सुनीति ने विवाह के पूर्व मुझे वचन दिया था कि कंपिला की युवराज की माता और पटानी मैं बनूंगी। ऐसा वचन देने का सुनीति को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुवंश में पुरुष और स्त्री समान भाव से हर समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और दोनों की सहमति से ही निर्णय लिया जाता है। सद्व्रतियों और सद आत्माओं के हृदय में निवास करने वाली श्रद्धा, मैं श्रद्धा हूँ। देवी सुनीति के अचेत हो जाने से उत्तानपात उद्विग्न हो जाती है और सुनीति की इच्छा का सम्मान करते हुए वत्स राजकुमारी सुरुचि से विवाह का निश्चय करती है। ये सूचना शनिलोक में प्रसन्नता का संदेश लेकर आती है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाराज उत्तानपात का दूसरा विवाह संपन्न होता है। सत्य कह रही हैं स्वामी, आप अपने भविष्य की चिंता छोड़ दें। मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है रानी सुनीति, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं कहती जिससे समर्थन की आवश्यकता हो। मेरा हर कथन सत्य का प्रमाण है। महारानी सुरुचि, सुनीति कंपिला देश की पटरानी है, उनसे बात करते समय आप उनके सम्मान का विशेष ध्यान रखें। हमें विश्वास है कि वत्स देश की राजकन्या को अपने वरिष्ठों का आदर और सम्मान करना भली भांति ज्ञात होगा। अपने वरिष्ठों के आदर और सम्मान के हर पाठ को मैंने भली भांति पढ़ा है, किंतु किंतु क्या महारानी सुरुचि? स्वामी, अब रानी सुनीति कंपिला देश की पटरानी नहीं है। स्तब्ध और चकित होने की आवश्यकता नहीं है स्वामी, अब कंपिला देश की पटरानी का पद मुझे प्राप्त हो गया है। स्वयं रानी सुनीति ने
वचन के अनुसार अपने पटरानी पद का त्याग कर दिया है। ऐसा न कह महारानी सुरुचि, पटरानी सुनीति का पटरानी पद आपकी इच्छा अथवा इनके वचन पर निर्भर नहीं है। ये पद तो हमारे माता पिता के आशीर्वाद और प्रजा की शुभकामनाओं से ही इन्हें प्राप्त हुआ है। क्या आपके वचन का इतना ही मूल्य है रानी सुनीति? क्या आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें अनेक वचन दिए थे? मैं आपके इस दुराचार को कदापि क्षमा नहीं करूंगी रानी सुनीति। मुझे अपने अधिकार लेने का मार्ग भली भांति ज्ञात है। आप मौन क्यों है रानी सुनीति? मेरे प्रश्न का उत्तर दें। क्यों मिथ्या वचन देकर आपने हमारे भविष्य को नष्ट कर दिया है? स्वामी, इस शुभ अवसर पर आप दोनों प्रसन्न रहे, यही मेरी शुभकामना है। निश्चिंत रहे पटरानी सुरुचि, अपने वचन को पूर्ण करने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगी, किंतु उसे मिथ्या नहीं होने दूंगी। स्वामी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि दूसरे विवाह के शुभ अवसर पर आप प्रसन्न रहते हुए सुरुचि को पटरानी सुरुचि कहकर संबोधित करें। पटरानी सुरुचि, देख लिया आपने कितनी महान है महारानी सुनीति। आप इस प्रकार भी तो कह सकते हैं कि वत्स देश की राजकुमारी और कंपिला की पटरानी सुरुचि को अपना अधिकार कैसे लेना है ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सुरुचि, सुरुचि नहीं, पटरानी सुरुचि कहिए। तुम अपनी मर्यादा को लांघने का दुस्साहस कर रही हो। रानी सुनीति के सन्मुख आप उच्च स्वर में बोलकर मेरा अपमान कर रहे हैं स्वामी। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपिला में पटरानी का इस प्रकार अपमान करने की परंपरा है। सुरुचि। नहीं महाराज, नहीं, आप क्रोधित ना हो, आपको मेरी सौगंध। शांत रहे महाराज। विवाह के पश्चात हर कन्या को नई परंपराओं और वातावरण को समझने में कुछ समय लगता है। पटरानी सुरुचि भी समय के साथ साथ स्वयं ही सब कुछ समझ जाएंगी। अपने उत्थान के मूल्य पर मैं कभी कुछ नहीं समझूंगी। मेरे अधिकार के मार्ग में जो भी बाधा आएगी उसे मैं क्षण मात्र में नष्ट कर दूंगी। बिहार वन प्रदेश की इस जीर्ण कुटिया में आप मुझे क्यों ले आए महाराज? ये राजमहल के स्थान पर सर्वप्रथम इस कुटिया में प्रवेश करना, क्या ये भी कंपिला की परंपरा है? पटरानी सुरुचि, यहाँ हमारे पूज्य पिताश्री पृथ्वी के प्रथम पुरुष मनु महाराज और माता शत्रुपा निवास करते हैं। इस विवाह के पश्चात हमें सर्वप्रथम इनका आशीर्वाद लेना होगा। क्या आपने अपने वृद्ध माता पिता को कंपिला के राज्य से निकाल दिया है? क्या वृद्ध माता पिता को कंपिला में साथ रखने की परंपरा नहीं है? सृष्टि के प्रथम पुरुष महाराज मनु और देवी शत्रुपा अर्थात हमारे पूजनीय सास और ससुर ने हमारे विवाह के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया था। वे स्वेच्छा से वानप्रस्थ को स्वीकार कर मानव के भविष्य को प्रेरणा देने के इच्छुक है। इस जीवन से किसी को प्रेरणा मिलेगी मुझे विश्वास नहीं होता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आयुष्मान भाग्यवती भव, सौभाग्यवती। माताश्री, पिताश्री, ये वत्स देश की राजकुमारी और अब आपके महान पुत्र महाराज उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि है। सुरुचि, प्रणाम करो। पुत्र वधु सुरुचि, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव।
पटरानी सुनीति, तुम्हारा त्याग प्रशंसनीय है। संसार की कोई भी नारी तुमसे त्याग की शिक्षा और आदर्श ग्रहण कर सकती है, परंतु प्रजा की इच्छा का सम्मान करने के लिए तुम्हें इतना उतावलापन दिखाना आवश्यक नहीं था। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इष्ट देव जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से तुम शीघ्र ही एक महान पुत्र की माता बनोगी और वही युवराज पद पर प्रतिष्ठित भी होगा। क्या आप मेरा अपमान कराने के लिए यहाँ लाए थे? यदि सुनीति को ही होने वाले युवराज की माता बनना है तो उसने ये भांति भांति के षड्यंत्र रचकर आपका विवाह मुझसे क्यों करवाया? पुत्रवधु सुरुचि, किसी से बात करते समय तुम्हें मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। स्मरण रखो, अब तुम वत्स देश की राजकुमारी नहीं, मनुकुल की पुत्रवधु हो। मुझे मर्यादा का भली भांति ज्ञान है माताश्री, किंतु कोई मेरे अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो मैं उसे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। महारानी सुनीति ने विवाह के पूर्व मुझे वचन दिया था कि कंपिला की युवराज की माता और पटानी मैं बनूंगी। ऐसा वचन देने का सुनीति को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुवंश में पुरुष और स्त्री समान भाव से हर समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और दोनों की सहमति से ही निर्णय लिया जाता है। पुत्र उत्तानपाद, पटरानी सुनीति ने जो वचन वत्स राजकुमारी सुरुचि को दिए हैं, क्या उसमें तुम्हारी सहमति है? अर्थात पटरानी सुनीति ने अपनी इच्छा से वत्स राजकुमारी सुरुचि को वचन दिए थे। मनुवंश में इस प्रकार के निर्णय का तनिक भी महत्व नहीं। हमें तो वही निर्णय स्वीकार है जो पुरुष स्त्री ने समान भाव से पूर्ण सहमति से लिए हो। वत्स राजकुमारी सुरुचि, हम तुम्हें पुत्र उत्तानपाद की दूसरी वधु के रूप में तो स्वीकार कर सकते हैं, किंतु युवराज की माता और पटरानी के रूप में कदापि नहीं। मैं मनोवंशियों के इस कुचक्र को कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे ज्ञात नहीं कि आप सब किस षड्यंत्र में सम्मिलित होकर मेरे भविष्य की बलि चढ़ा रहे हैं। एक प्रश्न पूछूं आपसे? अवश्य। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से राजपाट त्याग कर संसार को प्रेरणा देने के लिए वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया है, क्या उसका इस प्रकार गृहस्थ आश्रम की समस्याओं में हस्तक्षेप करना उचित है? क्या इस प्रकार आप वानप्रस्थ की मर्यादाओं को खंडित नहीं कर रहे? क्या भविष्य आपसे यही शिक्षा प्राप्त करेगा? पटरानी सुरुचि, अपनी घृष्टता और दुष्टता पर नियंत्रण रखो। पुत्र उत्तानपाद, मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। मनुकुल में जन्म देने वाली माँ स्वरूपा नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। तुम इस समय सुरुचि का नहीं हमारा अपमान कर रहे हो। वो तुम्हारी धर्मपत्नी है, यदि तुम स्वयं उसका आदर नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेगी? पिताश्री, महाराज उत्तानपाद के शुभ विवाह के अवसर पर आप इन्हें अपना शुभाशीष दे। मुझे विश्वास है कि पटरानी सुरुचि कंपिला की परंपराओं से परिचित हो जाएंगी। मैं आपको मिथ्या आश्वासन देकर भ्रमित नहीं करूंगी, क्योंकि वत्स देश में किसी को प्रसन्न करने के लिए छल और प्रपंच का सहारा नहीं लिया जाता। जिन परंपराओं के संस्कार जन्म से ही मेरे माता पिता ने मुझे प्रदान किए हैं, मैं कदापि उनका त्याग नहीं करूंगी। पुत्रवधु सुरुचि, मैं तुम्हारे भावनाओं को समझती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी सुरुचि को दिए हुए हर वचन का पालन करेगा। यदि सुनीति ने तुम्हें पटरानी और युवराज की माता बनाने का वचन दिया है तो हर मूल्य पर पूर्ण होगा। ये आप क्या कह रही है देवी शत्रुपा? अनुचित नहीं कह रही हूँ स्वामी। पत्नी यदि परिस्थितियों से विवश होकर कोई निर्णय कर ले तो क्या पति को उसका सम्मान करना उचित नहीं? मुझे भली भांति स्मरण है आपके प्रख्यात ग्रंथ मनुस्मृति में पति पत्नी के संबंधों की व्यापक व्याख्या करते हुए आपने स्वयं लिखा है
पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान और निर्णय का आदर करना आवश्यक है। देवी शत्रुपा, आदर तो हर निर्णय का करना आवश्यक है, परंतु जिसके पक्ष में निर्णय लिया जा रहा है उसकी योग्यता का मूल्यांकन भी तो करना होगा। वत्स देश में मेरी योग्यता पर किसी को संदेह नहीं, और आप भी मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य ना करें। पुत्र उत्तानपाद, अपनी इस नई पटरानी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा ये तो मुझे ज्ञात नहीं। कृपया करके इसे राजमहल ले जाओ, इसके घर को संतुष्ट करो। किसी भी प्रकार हमारे आदर्श कुल की सुख शांति नष्ट न होने दो पुत्र, उसे नष्ट न होने दो। और यदि तुमने बुद्धि और विवेक से काम ना लिया तो तुम उपहास के पात्र भी बन जाओगे। जो कुछ हुआ उसकी दोषी मैं हूँ पिताश्री, आप सत्य कह रहे थे। संयम और धैर्य को त्याग कर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे तो क्षमा मांगने का अधिकार भी नहीं है, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ पिताश्री, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मनुकुल की सुख शांति और कंपिला की समृद्धि के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दूंगी। तुम्हारी जैसे सुशील पुत्र वधु पर मुझे पूर्ण विश्वास है। जाओ पुत्र, सुरुचि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। चलिए महारानी। देवी शत्रुपा, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कुल को किसी शत्रु की कुदृष्टि लग गई हो। आओ देवी, हम अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें कि वे हमारे पुत्र उत्तानपाद, सुनीति और सुरुचि के जीवन की सुख शांति को छिन्न भिन्न न होने दें। आओ देवी। महादेवी, हमें आपकी व्यथा का ज्ञान है, परंतु मृत्यु लोक के हर प्राणी को अपने भाग्य और कर्मों के अनुसार ही फल भोगने पड़ते हैं। आदर्श प्राणी वही है जो अपने समस्त सुख दुख हमारे चरणों में समर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करे। स्वामी, मुझे तो सुनीति सर्वथा निर्दोष दिखाई पड़ती है। घटनाओं के चक्रव्यूह में घेर कर उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों? ये अन्याय नहीं है महादेवी, ये भी अनंत लीला है जो अंत में भक्त और भगवान का अंतर समाप्त कर देती है। अर्थात? महादेवी, जीव मात्र की स्वाभाविक इच्छा है सुख का भोग। सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए जीव अपना दुर्लभ जीवन नष्ट कर देता है, और वो वास्तविक सुख और सच्चे आनंद का स्वाद नहीं चख पाता। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। महादेवी लक्ष्मी, वास्तविक सुख और सच्चा आनंद जीव के लिए असंभव नहीं, कठिन अवश्य है। अपने जीवन पथ पर जो मनुष्य वास्तविक सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेता है, वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर मुझ जगदीश्वर में विलीन हो जाता है, और तब भक्त और भगवान का अंतर समाप्त हो जाता है। इस संसार के समस्त रहस्यों के भी रहस्य आप हैं। आपकी महिमा को
कोई भी नहीं परख पाता, मैं भी नहीं परख पाई। तनिक सरल शब्दों में स्पष्ट करें कि जीव वास्तविक सुख और सच्चा आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है स्वामी। महादेवी, वास्तविक सुख और सच्चे आनंद की खोज में जीव को अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। भीतर की यात्रा? हाँ महादेवी, हर जीव की आत्मा में मुझ परमात्मा का वास होता है। भीतर की यात्रा में जीव के सम्मुख उसके विकार, माया, मोह, मद, लोभ, अहंकार और दुष्कर्म बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य इन विकारों से भयभीत न होकर भीतर की यात्रा में अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वो सत्कर्मी और सदाचारी होकर वास्तव में मुझे पहचान लेता है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी स्वामी। धन और वैभव की अधिष्ठात्री महादेवी लक्ष्मी, आनंद तो 24 प्रहर आपके श्रीमुख पर अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ विचरण करता रहता है, फिर आनंद प्राप्ति के लिए ये परिहास क्यों? ये परिहास नहीं है स्वामी। महादेवी, जीवन प्राप्त करने वाले जीव के लिए ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए दो ही मार्ग होते हैं, एक बाहर का मार्ग और दूसरा भीतर का मार्ग। बाहर की यात्रा में जीव सत्य को देख पाता है, समझ पाता है, किंतु धारण नहीं कर पाता। जबकि भीतर की यात्रा में यदि मनुष्य सफल हुआ तो वो स्वयं सत्य को धारण करके सत्य नारायण बन जाता है। स्वामी, भीतर की अनंत यात्रा जीव किस प्रकार कर सकता है? महादेवी, अपने ही विकारों से संघर्ष करके, अपने ही दुष्कर्मों को नष्ट करके, अपने अहंकार का त्याग कर नर से नारायण बन सकता है। महारानी सुनीति के सम्मुख इस समय जो घटनाएं प्रस्तुत हो रही हैं, वो उन्हें नारी से नारायणी बना देंगे। अहो अहो स्वामी, ये सुनकर मैं प्रसन्न हुई। मुझे विश्वास है कि सुनीति हर संघर्ष और परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। विश्वास तो हमें भी है महादेवी, इसी कारण सुनीति के भविष्य को लेकर इस समय आप भावुक तथा चिंतित न हो। उसे अपने संघर्ष और परीक्षाओं में अपनी बुद्धि, विवेक और हम पर आस्था का प्रमाण प्रस्तुत करने दें। स्वामी, हर भक्त के जीवन में ऐसी कठोर परीक्षाएं क्यों? महादेवी, परीक्षाओं की सफलता ही तो एक भक्त की भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करती है। यदि भक्त की भक्ति पाखंड हुई तो वो परीक्षाओं के सन्मुख विवश होकर परिस्थितियों का दास बन जाता है, और यदि भक्ति सच्ची हुई तो वो नर से नारायण और नारी से नारायणी बन जाता है।